हेलो म्यूजिक लवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सोनी एमएचसी V13 होम ऑडियो सिस्टम को। जी हाँ, ये आपका ऑडियो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक बढ़िया होम ऑडियो सिस्टम का रिव्यू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी पहली फीचर के बारे में। जी हाँ, वो है पावरफुल साउंड। इसमें आपको मिलेगा डीप बास और क्रिस्प एंड क्रिस्टल साउंड, जो कि आपको किसी और ऑडियो सिस्टम में इस अफोर्डेबल रेंज में आपको नहीं मिलती है। समझ रहे हो? तो दोस्तों, इस स्पीकर की दूसरी फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है LED लाइटिंग इफेक्ट। जी हाँ, आजकल ज्यादातर ऑडियो सिस्टम्स में आपको LED लाइटिंग इफेक्ट मिलता ही है, बट सोनी में आपको मिलेगा रिदमिक लाइटिंग इफेक्ट के साथ में। जैसे कि अगर आपका कोई म्यूजिक चल रहा है तो आपको रिदम्स के साथ में लाइटिंग भी चेंज होगी। और दोस्तों, आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन है तो उसमें ये DJ लाइट्स का भी काम करेगा। और दोस्तों, बढ़ते हैं इसकी अगली फीचर के बारे में, वो है इसका कैरियोके मोड। जी हाँ, इसमें आप माइक्रोफोन प्लग इन कर सकते हैं, और अगर आपको गाना गाना है या आपको अपना टैलेंट शो करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। या आपको अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करना है, वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़े और बात करें ऑडियो इनपुट आउटपुट मोड्स की, तो पहला आपको मिलेगा ऑडियो इनपुट का एक पोर्ट, और दूसरा आपको मिलेगा USB पोर्ट, तीसरा आपको मिलेगा माइक्रोफोन के लिए, जिसमें आप गिटार के वायर भी लगा सकते हैं और कैरियोके प्ले करके आप मजेदार गाना गा। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं सराउंड साउंड की, तो इसमें आपको मिलता है सिनेमैटिक सराउंड साउंड। इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल फीचर नहीं मिलती है, बट अगर मैं कैरियोके फीचर्स की बात करूं तो उसकी तो भरमार है। आपको वोकल फेडर, इको, की कंट्रोल, स्कोरिंग, वॉइस चेंजर जैसी तमाम फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको मिलता है स्लीप टाइमर और USB रिकॉर्डिंग जैसी जबरदस्त फीचर्स, पर अनफॉर्चुनेटली आपको इसमें जेस्चर कंट्रोल और टच की कंट्रोल जैसी फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलती। जनता माफ नहीं करेगी। और दोस्तों, अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो वो आपको इसमें मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और साथ में आपको एप्लीकेशन सपोर्ट भी मिलेगा सोनी म्यूजिक सेंटर नाम से, जो कि प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है। हालांकि दोस्तों, CDs और DVDs हम आजकल यूज करते नहीं है, बट 90s किड्स को ये जरूर याद होगा कि हम CDs और DVDs कितना यूज करते थे, और आप अपना फेवरेट म्यूजिक CDs और DVDs इसमें चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके मेन यूनिट के वेट की, वो आपको मिलेगा तकरीबन 8 किलो, जो कि ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू सम अदर ब्रांड्स। तो अगर हम देखें इसको घर के अंदर कहीं भी लेके जाना और कहीं भी यूज करना, तो वो काफी इजी है। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज, जी हाँ, वो है ट्विटर्स और वूफर्स के बारे में। इसमें आपको मिलेंगे 2 5-5 सेंटीमीटर के ट्विटर्स और 1 आपको 20 सेंटीमीटर का वूफर मिलेगा, जिसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है होम पार्टीज और बर्थडे पार्टीज के लिए। क्या बात है सर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ 2 स्पेशल फीचर्स के बारे में। जी हाँ, पहला है FM, जो आप इसमें सेट कर सकते हैं 20 चैनल्स, और जिनको FM बहुत लाउड आवाज में सुनना है तो डेफिनेटली आप एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी फीचर है चाइल्ड लॉक। जी हाँ, अगर आप इसमें चाइल्ड लॉक एनेबल कर देंगे तो आप म्यूजिक चलाएंगे तो अगर बच्चा इसमें कुछ हाथ भी लगा देगा तो वो कोई भी म्यूजिक आपका चेंज नहीं होने वाला। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। वो आपको पड़ेगा MRP 24,000 के आसपास, बट अगर आप क्रोमा या नियर बाय कोई विजय सेल्स स्टोर है, अगर वहां जाके आप चेक करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 16,000-18,000 के बीच आपको मिल जाना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आपको इसे परचेज करना चाहिए अगर आपका बजट है 20,000 के आसपास और आपको चाहिए एक बढ़िया होम ऑडियो सिस्टम, तो उसके लिए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सोनी MHC V13 बहुत बढ़िया ऑप्शन। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलूंगा मैं आपको अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।